दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की इन तीन महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि का अपमान माना जाता है। कृपया करके आप ऐसा अनर्थ मत करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप श्री हरि और माता लक्ष्मी का साथ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भगवान के लिए एक लाइक तो बनता है। श्री हरि आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूरे करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। लेकिन इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं घर में ऐसी तीन महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर वन, क्या तलाकशुदा एकादशी व्रत रख सकती है? दोस्तों, ये व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि ये व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी ना करे। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही होती हैं। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। दोस्तों, नंबर टू, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकते हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो महज एक जरिया है। इसीलिए पूरी मन और श्रद्धा से महाबारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर थ्री, क्या कोर्ट मैरिज करने वाले एकादशी के व्रत को कर सकते हैं? खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाती है और पति पत्नी को सात जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ सात फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूल कर भी ना रखें। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी ना करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर सात फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकते।
शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा को करने में सक्षम नहीं है। पहले आप सात फेरे ले लें, तभी ही आप एकादशी की पूजा या व्रत कर सकते हैं। सात फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकती हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर अनर्थ पाप माना जाता है। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों, वहीं कुबारी कन्या या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी ना करें। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि के लिए एक लाइक तो बनता है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि।